अस्सलाम वालेकुम। सूरत माईदा हमने स्टार्ट की हुई थी और हमने जो है सूरत हमने जो है 20-26 आयात जो हैं वो कर ली हैं, जिसके जो आपको ना वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी। अब हम जो है 27 से स्टार्ट करते हैं। वतलू अलैहिम नाबा नाबा अब ना आदम बिल हकी, और ज़रा इन्हें आदम के दो बेटों का किस्सा सुनाओ। वतलू पढ़ो नाबा किस्सा इब्न आदम, अब आदम के बेटों का बिलहा की हक के साथ। इस कर्रबा कुर्बानन, जब उन दोनों ने कुर्बानी दी। इस कर्रबा कुर्बानन फतुकुबिला मिन अहदिहिमा, शुरू शुरू में ना अल्लाह ताला क्या करते थे कि जब कोई बंदा अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ पेश करता था ना, तो उसकी कबूलियत का ये होता था कि आसमान से आग बरसती थी उस चीज़ के ऊपर, तो उससे ना ये पता लग जाता था कि अल्लाह ताला ने वो जो चीज़ है ना वो कबूल कर ली है। तो शुरू में ही अल्लाह ताला ऐसे करते थे, अगर किसी जो लोग हैं ना वो अल्लाह ताला की कोई भी चीज़ उन्होंने मतलब के बारे में कोई भी डिसीजन लेना हो या अल्लाह ताला को कोई चीज़ जो है पेश करनी हो, तो वो फिर वो चीज़ रखते थे खुले आसमान के नीचे, तो वहाँ से खुले आसमान से आग आती थी, जो कि ये चीज़ बताती थी उन लोगों के अल्लाह ताला ने उस चीज़ को कबूल कर ली है। तो ये स्टार्टिंग में ऐसा होता रहा है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने ऐसा कोई ये चीज़ नहीं हुई ना उसके बाद। लेकिन शुरू शुरू में जब दुनिया जो है, तो उसी का ये वाकया बता रहे हैं कि जब शुरू शुरू में आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे ना, तो उन दोनों ने ना अपने लिए अपना अपना जो है कुर्बानी जो है अपनी पेश की थी अल्लाह ताला के सामने, तो अल्लाह ताला ने उन दोनों में से एक ही कुर्बानी कबूल की थी, दूसरे की नहीं की थी। तो इस कर्रबा कुर्बान फतुकुबिला मिन अहदिहिमा, तो अल्लाह ताला ने उनमें से एक से जो है ना वो कबूल कर ली थी। वलम युकब्बल मिन अल आखिर, और दूसरे से अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी कबूल ही नहीं की। काल अल्लाह अक्तुलन्ना का, देखिए अब वो जो दूसरा जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं की, तो उसने पहले वाले को कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। काल इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, तो देखें उसने क्या जवाब दिया पहले वाले ने। उसने कहा अल्लाह ताला तो उसकी चीज़ कबूल करता है जो कि मुत्तकी है। तो इससे हमें भी पता लगता है कि अल्लाह ताला जो है अल्लाह के नज़दीक जो कबूलियत का जो क्राइटेरिया है वो है तकवा। तकवा मेन चीज़ है। लइन बसतत इलैया यादा कर ली तक्तुलानी, तो उसने जवाब दिया अल्लाह तो मुत्तकियों ही की नज़रें कबूल करता है, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ ना उठाऊंगा। देखें जो पहला वाला है वो कह रहा है कि अगर तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे कत्ल करने के लिए, तो मैं तुम्हें नहीं मार कत्ल कर सकता। लइन बसत इलैया यादा का ली तक्तुलानी मा आना बिबासितिन यादिया लई का ली अक्तुला का, तो मैं नहीं आगे हाथ बढ़ाऊँगा तुम्हारे ऊपर ली अक्तालू का कि तुम्हें कत्ल करूँ। क्यों नहीं हाथ बढ़ाएगा वो? इन्नी अखाफुल्लाह, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का डर था। रब्बुल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। तो इससे पता लगता है कि उसकी जब उस दूसरे वाले की कुर्बानी कबूल नहीं की गई, तो उसने जब उससे कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो पहले वाले ने वो भी तो आगे से हाथ उठा सकता, वो भी तो कह सकता था मैं तुम्हें कत्ल कर दूँ, लेकिन उसने जो है आगे से कहा कि मैं हाथ नहीं उठाऊंगा तुम्हारे ऊपर कत्ल करने के लिए, क्योंकि मुझे तो अपने खुदा से डर लगता है। तो यही जो खुदा का जो डर है, यही तकवा है, यही मुत्तकीन की निशानी है। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी कबूल की थी। इन्नी उरीद अन, तो फिर दूसरे वाले की देखें कुर्बानी क्यों नहीं कबूल की, इसका मतलब ये कि उसके अंदर ये चीज़ें, ये सलाहियतें या ये सिफ्त नहीं थी। इन्नी उरीद अन तो अन ताबू भी इसमी व इसमी का फताकून अमीन साबिनार, तो उसने कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुना तू ही समेट ले। तो उसने फिर भी खबरदार कर दिया था, उसने कहा था अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो इसका मतलब कत्ल का जो गुना है वो तुम्हारे सर के ऊपर आएगा, और मेरे जितने भी गुना होंगे वो भी तुम्हारे ऊपर ला दिए जाएंगे। इन्नी उरीदू, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुना तू ही समेट ले। अंत अबाउ व इसमी, मेरा गुना व इसमी का और अपना गुना। फताकून मिन असहाबिन नार, तो तू फिर आग वाला साथ, आग वाले, आग तेरा जो है मुकद्दर बन जाएगी और तू आग वालों का साथी हो जाएगा। बिस्मी व इसमी का फताकून मिन असहाबिन नार व ज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, और जो ज़ालिम लोग हैं उनका यही जो है बदला है, उनकी यही सज़ा है। और सज़ा क्या है? जहन्नुम की आग। फ़तः व अतलाहु नफ्सहु कातला अखीहि फ़कातलूहु,
तो देखें वो जो दूसरा वाला है उसके नफ्स ने उसे जो है, हालांकि उसके उसके दिल में भाई की मोहब्बत भी थी, लेकिन जो उसकी नफ्स की जो थी ना अंदर की जो आग थी, उसने जो है उसको जो है मना लिया, उसने उसको मना लिया और उसने जो है अपने भाई का कत्ल कर दिया। फ़कातलू फ़असबा मिनल खासरीन, तो वो खुसारा पाने वालों में से हो गया। फ़बअसल्लाहुराबन यबहसू, देखें फिर उसको समझ ही ना आया कि जब उसने कत्ल कर दिया पहले वाले को, तो फिर उसको समझ ही ना आया कि अब मैं इस लाश का क्या करूं। तो अल्लाह ताला ने फिर ना कौवे को भेजा था, फ़बअसल्लाहु, तो भेजा अल्लाह ताला ने गुराबन कौवे को, यबहसू फिल अर्दी लियुरीहा, तो वो ना ज़मीन को कुरेदने लग गया। और ये अल्लाह ताला उस पर उसे दिखा रहे थे कि तू देख ले कि तूने लाश के साथ करना क्या है। लियुरीहा कैफ़ा युआरी सवात आखीही, तो उससे फिर उस कौवे से उसने सीखा कि किस तरीके से अपने भाई की लाश को वो छुपाए। काला यही, जब उसने जब ये मंजर देखा तो उसने कहा, काल उसने कहा, या वैला ता आजस्त तू अनाकूना मिसला हाजल गुराब, उसने कहा कि मैं तो कितना बेबस हूँ, कि मैं कितना आजिज़ हूँ, कि मैं तो इस कौवे की तरह भी ना हो सका, कि मैं इस कौवे की तरह जिसने देखे ना उसको समझ ही ना लाश के साथ करना क्या। तो उस कौवे ने उसको सिखाया, बाद में उसको शर्मिंदगी भी हुई। फ़ुआर या सवा थी आखी फ़स बहमिन नादिमी, तो फिर वो शर्मिंदा इस चीज़ पे वो शर्मिंदा भी हुआ। ये इसका तर्जुमा भी पढ़ लेते हैं। आखिरकार उसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल उसके लिए आसान कर दिया और वो उसे मार कर उन लोगों में शामिल हो गया जो नुकसान उठाने वाले हैं। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन खोदने लगा ताकि उसे बताए कि अपने भाई की लाश कैसे छुपानी है। ये देखकर वो बोला, अफसोस मुझ पर, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकाल लेता। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया। तो इसकी ना तफसीर भी छोटी सी देख लेते हैं कि इस वाक़े से बताने का अल्लाह ताला का क्या मकसद है। यहाँ इस वाक़े का जिक्र करने से मकसद यहूदियों की उनकी उस साजिश पर मुलामत करना है जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जलील कदर सहाबा को कत्ल करने के लिए की थी। दोनों वाक़यात में मुमासलत बिल्कुल वाज़े है। ये लोग भी हसद की बिना पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे और आदम अलैहिस्सलाम के इस बेटे ने भी हसद की बिना पर अपने भाई को कत्ल किया था। मतलब यहाँ पे आप देख लें कि असल जो चीज़ थी वो हसद थी, जो कि भाई का कत्ल करने के लिए भी बंदे को तैयार कर देती है। हसद इतनी बुरी चीज़ है, लेकिन बर्दाश्त नहीं ना होता, बर्दाश्त नहीं होती किसी की कामयाबी। ये जो है 31 हमने कर लिए, 32। मिन आजली जाली का कतब ना अला बनी इसराइल अन्ना हूँ मन कातल नसन, तो इस वजह से बनी इसराइल पर हमने ये फरमान लिख दिया था। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस वाक्य के बाद मिन आजल इन जाली का, इस वजह से हमने कतब ना अला बनी इसराइल, हमने लिख दिया था, फरमान लिख दिया था बनी इसराइल के लिए, अन्ना हूँ मन कातल नफसन बिगैर नफसिन, तो जिस किसी ने इंसान है मन कातल, जिसने कत्ल किया, नफसन बगैर नफसिन, जिस ने किसी इंसान को खून के बदले या ज़मीन में फिसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया। देखें इससे पता लगता है कि अगर आपने कत्ल करना जो है उसको बुरा कहा गया है, लेकिन ये कि बाज़ औक़ात आपको दुनिया के अंदर सुकून अमन कायम करने के लिए कत्ल करने पड़ते हैं, जंग करनी पड़ती हैं ताकि ज़ालिमों का खात्मा हो, क्योंकि ज़ालिम जो है वो बाज़ नहीं आ रहे होते ज़ुल्म करने से, तो फिर उन मज़लूम लोगों को उसके चुंगल से निकालने के लिए जंग करनी पड़ती है, तो उसमें खून बहता है, तो वो फिर खून जो है वो उस हालत में बहाना जायज़ है। उस हालत में तो बल्कि शहादत का रुतबा दे दिया गया है। अन्ना हूँ मन कातल नफसन भी गई, हाँ अगर एक होता है ना कि जिसने अगर किसी ने किसी का भाई या किसी का कत्ल किया है, तो फिर अल्लाह ताला ने उसका कसास का तरीका तय कि तुम भी उसी तरह उसी को कत्ल करो जिसने जो है कत्ल किया है उस इंसान का। तो अगर तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि अव फसाद इन फिलर दी, या फिर अगर कोई वो फसाद उसने ज़मीन पे फैला रखा हो जिससे बहुत सारे इंसानों का सुकून बर्बाद हो गया हो, कत्ल फितना फैल गया हो, तो उस सूरत में उस इंसान को हम कत्ल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों सूरतें नहीं हैं, उसने ना हाकी किसी को बेचारे मासूम इंसान को मार दिया है, फाका अन ना मकातल ना सर जमी है, तो इसका मतलब उसने पूरे इंसानों को मार दिया है। इतनी बड़ी सज़ा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि किसी ने अगर किसी इंसान को नाहक मारा है, मासूम बेचारे को मारा है, तो
तो फिर उसका मतलब ये कि उसने पूरे सारे इंसानों को मार दिया है। वमन अहिया है, और अगर किसी ने एक इंसान को भी बचाया, फाका अन्नमा अहिया नास नास जमीयत, उसका मतलब उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो मतलब इस आयत से पता लगता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक एक इंसान की ज़िंदगी की और उसकी मौत की कितनी ज़्यादा अहमियत है, जो कि आजकल के दौर के अंदर जो है बिल्कुल भी ज़ीरो रह गई। आप जो है आजकल के दौर में पैसा देके किसी को भी मरवा सकते हैं, मतलब इतना इंसान का जो खून है वो सस्ता है। वाला का जाअत हुमुर रसूल रसूलु नबिल बय्यिनात, और हमारे रसूल पे धर पे इनके पास खुली खुली हदायत लेकर आए थे। वाला का जाअत हुमुर रसूलुना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इनके ऊपर काफ़ी सारे रसूल भेजे जो कि निशानियाँ इनके लेकर आए थे, इनके पास किताबें लेकर आए, हिकमत लेकर आए, हदायत लेकर आए। सुम्मा इन्ना कसीरा मिनहुम बादा ज़ालिका फिल अर्दी, तो हमारे रसूल पे दर पे इनके पास खुली खुली हदायत लेकर आए, फिर भी इनमें से बक्सरत लोग ज़मीन में ज़्यादतियाँ करने वाले हैं। बाद अज़ालिका फ़िल अर्दि ला मुसरिफून, लेकिन अक्सरियत जो है वो फिर भी ज़्यादती करती है। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, तो जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और ज़मीन में इसलिए तगोदो करते फिरते हैं कि फसाद बरपा हो। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग युहारिबुना जंग करते हैं, लड़ते हैं अल्लाह अल्लाह से, व रसूलहू और उसके रसूल से, व यस अउना और वो कोशिशें कर रहे हैं, फिल अर्दी ज़मीन में, फसादन फसाद फैलाने की, आई यु कातलू, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनकी ऐसे लोग जो कि अल्लाह रसूल से लड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, उनकी सज़ा क्या है? उनकी सज़ा ये है कि कत्ल किए जाएँ। आई यू कातलू, उनको कत्ल कर दो, आओ यू सल्लाबू, और या उनको सूली पर चढ़ा दो, आओ तो कत्ता आई दी हिम, या उनके हाथ काट दो, अर्जुलू हम और उनके पाँव भी, मतलब उनके हाथ पाँव काट के, मिन खिलाफ इन मुखालिफ सिमतों में इनके हाथ पाँव काट दो, आओ यून फ़ो फिल अर्दी, या फिर उनको जिला वतन कर दो। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया, तो ये तो इनकी रसवाई है दुनिया के अंदर, वाला हूँ फिल आखिरा, और आखरत के अंदर इनके लिए अजाब नज़ीम, एक बहुत बड़ा अजाब है। तो इससे पता लगता है कि एक एक अगर हम फसाद फैलाते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फसाद फैलाने की जो है वो सज़ा बता दी है। नंबर वन सज़ा ये है कि कत्ल कर दो, नंबर टू ये है कि सूली पे चढ़ा दो, नंबर तीन ये है कि हाथ पांव मुखालिफ सिम से काट दिए जाएं, और नंबर फोर ये है कि अगर ये भी नहीं हो सकता, ये तो हालात पे डिपेंड करता है ना कि हालात सिचुएशन क्या, अगर ये भी नहीं तो फिर उनको जिला वतन कर दो। तो ये तो अभी दुनियावी सज़ा है, जो आखरत में वो इससे भी बड़ी है। तो फसाद से मुराद क्या है? ज़मीन से मुराद यहाँ वो मुल्क या इलाका है जिसमें अमन व अमान कायम करने की जिम्मेदारी इस्लामी हुकूमत ने ले रखी हो, और खुदा और रसूल से लड़ने का मतलब उस निज़ाम साले के ख़िलाफ़ जंग करना जो इस्लाम की हुकूमत ने मुल्क में कायम कर रखा हो। फ़काए इस्लाम के नज़दीक इससे मुराद वो लोग हैं जो मसला होकर जित्थाबंदी करके डाकाजनी या गारतगिरी करते हैं, और अगर वो सही फिसाद से बाज आ गए हों और साले निज़ाम को धर्म भरम करने या उलटने की कोशिश छोड़ चुके हों, उनका बाद का तर्ज अमल साबित कर रहा हो कि वो अमन पसंद हो चुके हैं, तो इनके बाद उनके साबिक जुराइम का पता चले तो उन सज़ाओं में से कोई सज़ा उनको ना दी जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने कोई दस्तराजी उन्होंने की थी उस अलबत्ता आदमियों के हकूक़ पर अगर कोई दस्तराजी उन्होंने की थी, तो उसकी ज़िम्मेदारी उन पर से साकित ना होगी। मसलन अगर किसी इंसान को उन्होंने कत्ल किया था, या उस किसी का माल लिया था, या कोई और जुर्म इंसानी जानों माल के ख़िलाफ़ किया था, तो इस जुर्म के बारे में फौजदारी मुकदमा उन पर कायम किया जाएगा। लेकिन बगावत और गद्दारी और खुदा रसूल के ख़िलाफ़ जंग का कोई मुकदमा ना चलाया जाएगा। तो इसे पता लगता है कि अगर फिसाद फैलाने वाला बाज आ जाता है, सही इंसान बन जाता है, तो अल्लाह के हकूक माफ़ हो जाएंगे, लेकिन बंदों के हकूक जो हैं वो माफ़ नहीं होंगे। तो फसाद से मुराद की अगर इस्लामी निज़ाम कायम है, तो उसको जो तोड़ने में, इस्लामी निज़ाम को तोड़ने में जो वो हिस्सा लेते हैं वो फसाद है, या फिर इंसानों के साथ जो जुल्म करते हैं, चोरी, डाका, कत्ल, ये सारी चीज़ें फसाद में आ जाएंगी।
इल्लज़ीना ताबू मिन कबली अन तकदीरू अलैहिम फ़ालमू अन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो इसकी वही हमने तफसीर पढ़ ली है इसकी, कि अगर कोई तोबा कर ले कबल इसके कि तुम उन पर काबू पाओ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह माफ़ करने वाला रहम करने वाला है। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि अगर कोई तोबा कर ले, अपनी इसलाह कर ले, तो अल्लाह ताला जब माफ़ करने वाला है तो फिर तुम भी कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला जो है फिर माफ़ भी करने वाला, रहम करने वाला है, तो हमें भी फिर उसके साथ जो है दरगुजर का मामला जो है वो करना चाहिए। 34 आयत हमारी हो गई है यहाँ पे, तो बाकी फिर जो है ना हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। थैंक यू।